आपको क्या पढ़ाया गया, आपने क्या पढ़ा, आपको कौन से फैक्ट से छुपा कर रखा गया, कौन से फैक्ट आपको पढ़ाए नहीं गए, वो इस सॉल्यूशन को आपको देख के आ जाएगा कि कितनी ऐसी बातें थी जो आप कभी सुन ही नहीं पाते। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सारे ही बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। आज हमको करना है प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी कि हाउ डू वी प्रूव एन इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करते हैं कि कोई इरेशनल नंबर है? क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 90% क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। प्लस दूसरी बात यह है कि इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिस मेथड से हम लोग क्लास 10th में प्रूव करते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। उस मेथड को बच्चे जो स्टेप्स होते हैं वो रट लेते हैं, समझ में बहुत कम बच्चे को आता है, ये मैं जानता हूँ। मैंने अब तक जो पढ़ाया है और मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है, तो उसमें मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चे स्टेप्स रट लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज आपके आइए करते हैं सारे डाउट्स क्लियर कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं। अब अंडर रूट 3 की बात कर लीजिए। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में लगाऊं, ठीक है, 3 में फिर 0 0 बढ़ाएं, फिर इस तरीके से, और ये चलता जा रहा है। अब उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी 1.73250 एंड सो ऑन, जो कभी टर्मिनेट नहीं होगी, कभी रिपीट नहीं होगी। तो ये आप जानती हैं कितना लेंथी मेथड हो जाता है, थोड़ा सा टिपिकल भी, ये क्लास 8 में पढ़ा था। तो ऐसे आप कहाँ तक निकालते जाएंगे, मान लिए 15 प्लेस तक निकालते चले गए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये आगे जाके रिपीट नहीं होगा? ठीक है, अगर 10-12 प्लेस तक निकालें, फिर हम ये ऑब्जर्वेशन ले लें कि हाँ भाई, अंडर रूट 3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये इरेशनल नंबर है। बट क्लास 10th में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ ही नहीं करना है, और जितनी थ्योरम्स हमने पढ़ी हैं अभी तक, इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिदम हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया, और कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स हो गया, इन सब का यूज़ करके एक मेथड बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि हम उसमें पहले उस इरेशनल नंबर को रेशनल ही मान लेते हैं और फिर ये प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ये रेशनल नहीं है, अपनी बात को ही गलत प्रूफ कर देते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है वहाँ पर, और फिर उसके बेस पर हम मानते हैं कि हमने जो माना था, हमारी एजम्पशन थी रॉन्ग, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है, देयरफॉर ये इरेशनल नंबर ही होगा। तो अपनी बात को पहले मानना, फिर उसी बात को गलत प्रूफ करना, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहलाता है। बट इसको समझना, बिकॉज इसमें इतनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, बट आपके लिए नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। उससे पहले एक थ्योरम है, उस थ्योरम को आपको पढ़ना पड़ेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए देखिए, अब ये भी नहीं पढ़ते हैं बच्चे क्लास 10 में। थ्योरम ये है, लेट पी इज अ प्राइम नंबर। मान लीजिए पी कोई प्राइम नंबर है, क्लियर है, पी एक प्राइम नंबर है, ओके, ठीक है सर, पी प्राइम नंबर है मान लिया। उसके बाद इफ पी डिवाइड्स, अगर पी डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वायर को, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो या कंपोजिट हो, कोई भी नंबर हो सकता है, बट पी प्राइम है। तो अगर पी किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, उसके बाद थ्योरम कहती है देन इट विल, या इट कैन, 100% इट विल ऑल्सो डिवाइड ए, तब वो ए को भी डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसका प्रैक्टिकल मीनिंग, फिर इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये a हो गया a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, तो अगर 2 16 को डिवाइड करता है, तो ये बात 100% ट्रू होगी, 2 4 को भी डिवाइड करेगा। देख लीजिए, हाँ सर, ये मेथड बड़ा अच्छा लगता है समझने में, जब हम प्रैक्टिकल कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाते हैं, तो आपको भी बहुत मज़ा आता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ना, कि जब किसी भी चीज़ को हम रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी से थोड़ा सा टिपिकल हो जाती हैं चीज़ें। देखिए, अब दूसरा है, कोई प्राइम नंबर लेते हैं, सपोज कर लीजिए 7, अब 7 जो है वो 14 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 14 का स्क्वायर इज 196, कर रहा है ना 196 को डिवाइड, देख लीजिए 7 2 14 कितना बचा, 5 7 8 56, हाँ ठीक।
तो 7 196 को डिवाइड कर रहा है और जो क्वेश्चन आ रहा है वो 28 आ रहा है. तो 7 कैन डिवाइड द स्क्वायर ऑफ 14, देयरफॉर 7 विल ऑल्सो डिवाइड 14 और इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, 7 2 14. तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर बना लीजिए, बट डिवाइजर यहाँ पे प्राइम होना चाहिए. सर प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा? एक क्वेश्चन दिखाते हैं. 2 कैन डिवाइड 2 का स्क्वायर. हाँ ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 2 का स्क्वायर हो गया 4. तो 2 जो है वो 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है 4 को, तो 2 को भी डिवाइड कर लेगा. यहां भी नहीं बनी बात. अब दिखाता हूं मैं आपको एक्सेप्शन कि उन्होंने प्राइम क्यों बोला, कंडीशन क्या है प्राइम की. देखिए अभी मैं यहां लेता हूं 4. 4 कैन डिवाइड 2 का स्क्वायर, दैट इज 4. 4 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है और जो क्वेश्चन आएगा वो 1 आएगा. तो देयरफॉर 4 2 को भी डिवाइड करना चाहिए. अगर ये प्राइम कंडीशन, प्राइम वाली कंडीशन हम ना लेते तो 2 से जब 4 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0.5. तो यहाँ डेसिमल में आने लगा आंसर, समझ रहे हैं? कंप्लीटली डिवाइड तो कर रहा है बट डेसिमल में आ रहा है जो क्वेश्चन है. तो इसलिए यहां पे बोला गया है इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स ए स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो डिवाइड a. ये 100% गारंटी है. मैंने आपको सारा जो पूरा प्रूफ था प्रैक्टिकली वो बता दिया. अब इसको थ्योरेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि दुनिया में इनफाइनाइट नंबर होते हैं. तो जब हम उसको वेरिएबल की मेथड से करते हैं तो वेरिएबल तो कोई सा भी नंबर हो सकता है. तो वो चीज़ दुनिया में ईच एंड एवरी नंबर के लिए प्रूफ हो जाती है जब हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है. और जब हम प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं तो वो उन्हीं नंबर पर लागू होता है जो नंबर हमने लिए थे. ठीक है, तो देखिए प्रूफ कैसे करिएगा इसका. इसका प्रूफ इस तरीके से किया जा सकता है, इफ पी डिवाइड से स्क्वायर, बात पक्की है. तो एक ए नंबर है उसके प्राइम फैक्टर मान लेते हैं. लेट ए इक्वल टू जो उसके प्राइम फैक्टर है P1, P2, P3 कितने भी हो सकते हैं हमें तो मालूम नहीं है. तो मान लीजिए ये Pn तक जा रहे हैं, ये ए के प्राइम फैक्टर हैं. और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज इट्स प्राइम फैक्टर विल बी यूनिक. यानी कि अब ये प्राइम फैक्टर हो गए, अगर हम इसका स्क्वायर भी करेंगे तो ये नंबर 2 बार रिपीट हो जाएंगे ना स्क्वायर करने में, इसी की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी. बट कोई नया नंबर इसमें अराइज नहीं होगा. क्लियर है बात? तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? तो ए स्क्वायर की वैल्यू आप कहेंगे सर हो गई P1, P2, P3, P3... ...... PN. और इस पे सर हम लगा दें स्क्वायर. तो स्क्वायर का मतलब है 2 times multiply, यानी कि P1, P2, P3... ...... PN. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, दूसरी बार भी मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा स्क्वायर लग रहा है. P1, P2, P3... ...... PN. अब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था P डिवाइड्स A स्क्वायर, जो P है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. ध्यान से सुनिएगा, अब A स्क्वायर के यही तो प्राइम फैक्टर है, भले ही वो 2 बार आ रहे हैं. तो जो P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को और इसके ये प्राइम फैक्टर हैं, तो इन प्राइम फैक्टर में से इट इज कंपल्सरी कि वन ऑफ देम प्राइम फैक्टर इज P. अगर कोई P प्राइम नंबर था वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था. देखिए जैसे 2 है वो 18 को डिवाइड कर रहा है, 2 9 18. अब 18 के प्राइम फैक्टर करिए 2 3 3. तो 2 जब 18 को डिवाइड कर रहा है तो 18 के अंदर एक प्राइम फैक्टर ऐसा जरूर है जिसको 2 डिवाइड कर रहा है, यानी कि सेम है. समझ रहे हैं बात को? तभी तो डिवाइड हो पा रहा है वो. हाँ, तो यही मतलब है. तो इस A स्क्वायर के फैक्टर के अंदर एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो P की तरह होगा सेम, क्योंकि हमने P प्राइम लिया है. समझ रहे हैं बात को? तो इसमें से एक नंबर का P होना जरूरी है, तभी तो वो डिवाइड हो पाएगा. अब आप कहोगे सर इसमें से होगा कि इसमें से होगा, बिकॉज ये 2 बार रिपीट हो रहा है. तो 2 बार रिपीट हो रहा है, नंबर तो सेम ही है. तो हम ये कह सकते हैं कि इस पार्ट में एक P जरूर बनेगा, एक P जरूर बनेगा, क्योंकि वो दोनों है सेम. तो जब इसमें एक P बनेगा तो इसमें भी एक P बनेगा. ये वैल्यू किसकी है? A की. ये पूरी वैल्यू A स्क्वायर थी, अब A में भी P बन रहा है तो P से P डिवाइड हो जाएगा. तो यहां से बात प्रूफ हो गई. अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर में एक P जरूर होगा. वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ये भी A है ये भी A है, तो एक P इसमें भी होगा और एक P इसमें भी होगा, इसलिए वो A को भी डिवाइड कर लेगा. अगर हम इतना सिंगल ले लेंगे तो P तो इसमें आ ही रहा होगा कहीं ना कहीं, तो वो A को भी डिवाइड कर देगा. तो इस तरीके से ये इसका थ्योरेटिकल प्रूफ है. अब ये अप्लाई हो गया दुनिया के हर नंबर पर. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से थ्योरम प्रूफ हो गई. दूसरी बात,
इरेशनल नंबर्स की जो हमें प्रूविंग करनी है उसको करने के लिए एक आपको चीज़ और समझनी पड़ेगी बच्चों। वो क्या चीज़ है सर? जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं a अपॉन b, ये लोएस्ट टर्म में होती है। अगर नहीं भी होती है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर जब होता है रेशनल, तो उसको p अपॉन q की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। अब सर हमने ले लिया 3/9, बट ये लिखना सही नहीं होगा। अगर इसका कोई प्राइम फैक्टर है तो हम उसको 1/3 कर देंगे, यानी कि हम उसको उस स्टेज पर लेके आते हैं दैट इज कॉल्ड लोएस्ट टर्म, जिसके बाद ये डिवाइड होना बंद हो जाए एक दूसरे से। डिवाइड होना बंद हो जाएगा मतलब क्या है? कोई भी इनका कॉमन फैक्टर ना हो, अब नो कॉमन फैक्टर। और जिन नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका HCF 1 होता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो जिन नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि 1 और 3 का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर बोलते हैं, आपको याद होगा। अरे ये बात समझ में? तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि कोई फ्रैक्शन अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है तो ये लोएस्ट है। अगर नहीं भी है तो आप डिवाइड कर लेंगे ना। कहिए कि सर पी अपॉन क्यू लिखा है, ये लोएस्ट नहीं है, अब हमने इसको डिवाइड कर लिया तो ए अपॉन बी आने लगा, तो ए अपॉन बी को लोएस्ट बोल दीजिए, डिवाइड करके कुछ तो आएगा। तो ये ए अपॉन बी कैसे नंबर होंगे? ये को प्राइम नंबर होंगे, यानी कि 100% दे हैव नो एनी कॉमन फैक्टर। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये दो चीज़ें हो गई, एक ये कहना चाहिए डिविजिबिलिटी वाली थ्योरम हो गई। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, प्राइम नंबर के केस में। दूसरा, अगर कोई फ्रैक्शन लिखा है वो लोएस्ट टर्म में नहीं है तो हम उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब वो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा ना, जब लोएस्ट टर्म में हो गया तो वो को प्राइम हो जाता है, यानी कि 1 के अलावा। ये बात 100% ट्रू हो गई, अब होना ही होना है। अगर कोई कह रहा है कि को प्राइम नंबर के दो फैक्टर हैं मेरे पास, तो वो झूठ बोल रहा है। को प्राइम फैक्टर का 1 के अलावा फैक्टर हो ही नहीं सकता। सपोज 3/11, आप लाके दिखाइए इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर। अब मैं कहूँ इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, तो ये 100% बात झूठ है बिल्कुल, कि 2 इसको कैसे डिवाइड कर सकता है दोनों नंबर को। तो एवरी फ्रैक्शन मस्ट बी रिप्रेजेंट इन टू लोएस्ट टर्म। अगर नहीं भी होगी तो आप उसको कर लेंगे। तो ये जो दो नंबर बनेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये को प्राइम कहलाएंगे। इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों, यही बातें समझने की होती हैं बैक स्टेज। समझ रहे हैं? बैक स्टेज से मतलब ये, जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे ना तो वहां पे फिर सोचने से अच्छा है कि यही सारी चीजों को बैक स्टेज समझ लिया जाए, क्वेश्चन करने से पहले समझ लिया जाए। तो अब आप यू आर कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर्स आर इरेशनल। अब आप बिल्कुल समझदार हो गए हैं कि अब आप प्रूव कर लेंगे आराम से कि हाँ भाई इरेशनल नंबर क्यों है। और इक्लिव डिवीजन एल्गोरिदम आप पढ़ चुके हैं आराम से, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका है इक्लिव डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुत आसानी से, एक्सरसाइज 1.3 है। तो एक्सरसाइज कोई सी भी हो, अभी क्वेश्चन है मान लीजिए प्रूव दैट, अंडर रूट 2 ले लेता हूँ, एक अंडर रूट 3 ले लेता हूँ, एक अंडर रूट 5, एक अंडर रूट 7, सिंगल नंबर में इससे अलावा कोई मिलेगा नहीं एक्सेट्रा। ये सारे प्राइम दिख रहे हैं ना, 2, 3, 5, 7 आर इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ये हमको प्रूफ करने की इरेशनल नंबर है। इस बोर्ड को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं 2 का और 3 का आपको करके दिखाऊंगा, जो कि एक बड़ा सिंपल सा मेथड है, बट आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करें बच्चों। तो अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ पर मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊँगा और जो हमने फैक्ट पढ़े थे उसका भी यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको मान लेना है, सपोज कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मैंने क्या बताया था, पहले कुछ आप उसको मान लीजिए कि ये रेशनल नंबर है। आप ये मानिए ही मत कि ये रेशनल है, आप रेशनल मानिए और फिर किसी तरीके से प्रूव कर दीजिए कि ये रेशनल नहीं हो सकता। अपनी बात को ही गलत प्रूव करना, अपनी बात का ही विरोध करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हो जाएगा। तो सपोज अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अब एक एक चीज आपसे पूछूंगा, वॉट आर रेशनल नंबर? आप कहेंगे सर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, एंड वॉट यू हैव स्टडीड अबाउट पी अपॉन क्यू 2 मिनट्स एगो, 2 मिनट पहले क्या पढ़ाया था? अगर ये लोएस्ट टर्म में नहीं भी हुए तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे, मान लीजिए ए अपॉन बी आने लगा तो ये लोएस्ट टर्म में आ जाएगा, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ये हमेशा कैसी होगी? को प्राइम होगी। को प्राइम के बारे में क्या बताया था? कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, बट मैं यहाँ कॉमन फैक्टर लेके आऊंगा। मैंने अभी कहा था ना कि अगर कोई कह रहा है कि इसका कॉमन फैक्टर है तो ही इज लाइंग, वो झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता। को प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिनका HCF 1 होता है। अगर कोई कॉमन फैक्टर होता 1 के अलावा तो HCF फिर चेंज ना हो जाता। ये सारी बातें हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जब सेकंड लास्ट ईयर 10th क्लास में इंट्रोड्यूस हुए थे। इस साल तो एग्जाम कैंसिल हो गए लास्ट ईयर, तो वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आया था,
HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज, तो जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी वही करेंगे ना कि को प्राइम नंबर का HCF जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 ही होगा फिलहाल। तो अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर हमने मान लिया, देयरफॉर, ठीक है नंबर लिख देते पूरा नंबर, देयरफॉर जो अंडर रूट 2 है वो पी अपॉन क्यू, मैं ए अपॉन बी लिखता हूं जनरली, पी अपॉन क्यू ले लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये a अपॉन b के इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ यस सर होगा, ऑब्वियसली बात है, रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में रिड्यूस होनी चाहिए, अगर नहीं भी होगी चलो कट करके हमने कर ली, समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए मैं लिखूंगा वेयर a कॉमा b आर को प्राइम्स। तो ये कॉन्सेप्ट ही है जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज करवाएगा, हमारे स्टेटमेंट का विरोध करवाएगा, ये वही स्टेटमेंट है। तो इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जरा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देगा लास्ट में। चलिए अब आगे करेंगे, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो इसमें अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 की b से मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट 2 बी। अब आपको इस स्टेप के बाद बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, क्यों करनी है बताऊंगा, जिससे अंडर रूट 2 में कन्वर्ट हो जाए और ये एक प्राइम नंबर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और ये हो गया बी स्क्वायर। अब आप बताइए इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम इसमें कहां से अप्लाई हो रहा है, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम कहां से अप्लाई हो रहा है? देखिए इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम कहता है एनी नंबर या फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर से ए इज ग्रेटर देन बी, पढ़ चुके हैं ना आप, अगर ए बी से बड़ा है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी जो है बच्चों वो डिवाइजर है, ए जो है वो डिविडेंड है, क्यू कुछ भी आ सकता है क्वेश्चंट, बट आर जो है रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर जीरो हो गया, यानी कि अगर कोई इस तरीके से नंबर लिखा जा रहा है रिमाइंडर जीरो हो जाता है, ये जो बात है ये बात पक्की है ना फिर कि बी ए को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो डिवाइजर डिवाइड्स डिविडेंड कंप्लीटली ना विदाउट एनी रिमाइंडर, ठीक है सर? हाँ बात समझ में आ गई आपकी बिल्कुल। तो ये हो गया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम यहां पे कह सकते हैं फ्रॉम, देखिए अब इक्लूड डिविजन एल्गोरिथम भी यूज हो गया, मैंने कहा था ना इक्लूड का बहुत बड़ा यूज है, एक एक कॉन्सेप्ट जितने भी आपने इस चैप्टर में पढ़े सारे इस क्वेश्चन में आ गए। तो फ्रॉम इक्लूड्स डिवीजन लेमा लिख देता हूं शॉर्ट में, एल्गोरिदम से तो शॉर्ट ही है, तो फ्रॉम इक्लूड डिवीजन लेमा वी कैन से दैट टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब बताइए अभी क्या थ्योरम पढ़ाई थी, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, जल्दी बोलो पढ़ाया था कि नहीं? देयरफॉर का साइन लगाना है, फिर आपको लिखना है इट विल ऑल्सो डिवाइड, वो करेगा ही करेगा ए, अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जो बच्चे रटते हैं ना, मैंने कॉपी जब चेक की एग्जामिनेशन में, तो किसी ने लिखा था कि देयरफॉर ए डिवाइड्स टू, किसी ने लिखा था बी डिवाइड्स ए, किसी ने लिखा था ए डिवाइड्स टू। तो मैं समझता हूं कि अगर आपने इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम अच्छे से पढ़ा है, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम सीधी बात है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, तो वो साफ दिखाई दे रहा है, तो मेरा बच्चा इसमें कोई कंफ्यूज होने वाला नहीं है जो मुझसे पढ़ रहा है। तो इट विल ऑल्सो डिवाइड ए। अच्छा अब एक बात और है, ये बात पक्की हो गई, इट इज 100% ट्रूथ, 2 विल डिवाइड ए। तो जब 2 ए को डिवाइड करेगा, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, तो कोई ना कोई क्वोशेंट तो आएगा ही। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज है, जब मैं लिखता हूं ना ए इक्वल टू 2 सी, सर ये बता दो ये सी कहां से आ रहा है? एक बात बताओ, ए कोई इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है ना, बट ये बात पक्की है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन होगा। अगर आप a की वैल्यू फिक्स कर दें यानी कि 4 कर दें तो यहाँ 2 आने लगेगा, अगर आप यहाँ 6 कर दें तो यहाँ 3 आने लगेगा। तो जब तक a की वैल्यू फिक्स नहीं है तब तक क्वोशेंट फिक्स नहीं है, तो मैंने क्वोशेंट को कोई इंटीजर मान लिया, c आ रहा है। जैसे ही आप a की वैल्यू कर देंगे 12, मैं बोल दूंगा 2 6 12, c 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ों को समझना है, ये हमेशा मैं प्रैक्टिकल चीज़ों से आपको समझाता हूँ आसान करके। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं इट इज इम्प्लाइज दैट, या ये भी इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम से हो रहा है कि जब 2 a को डिवाइड करेगा। इस क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए लग रहा है, याद रखिए जिन बच्चों को आता है तो हो सकता है उनको भी कोई नई चीज़ मिल जाए मेरे इसमें कराने से, और जिन बच्चों को आता है तो वो प्लेइंग स्पीड होती है वो उसको बढ़ा के देख लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो देखिए क्या लिखने वाले थे, हाँ ठीक, a इक्वल टू 2c होगा,
बिकॉज जब टू ए को डिवाइड कर रहा है तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वोशेंट. अब सी क्या है, तो मैंने आपको बताया था वेयर सी इज सम इंटीजर, कोई इंटीजर है. मैंने कहा था एक एक बात क्लियर होगी, वेयर सी इज सम इंटीजर. क्वेश्चन को समझा नहीं तो क्या फायदा निकला. ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, जो मैं तो बोलता हूँ बहुत कम बच्चों को ही समझ आता है. ठीक है, एक एक बात एक एक पॉइंट अगर मैं किसी बच्चे से पूछने लग जाऊँ तो उसको भी क्लियर नहीं होगा, कहीं ना कहीं अटक जाते बच्चे. ठीक है, अब यही वैल्यू आपको जहां पे आपने स्क्वायर कराया था वहां पुट करानी है. अच्छा एक बात वहां और लिख देते हैं, इट विल ऑल्सो डिवाइड टू, यानी कि ये बात पक्की हो गई कि टू इज अ फैक्टर ऑफ ए. वो इस बात को चाहे लिखिए आप चाहे मत लिखिए, फिलहाल ये बात तय हो रही है ना कि टू ए को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए का फैक्टर जो है वो टू है, पक्की बात है. इसको इक्वेशन वन बनाया था हमने जहां पे स्क्वायर कराया था. इस वैल्यू को आप इक्वेशन वन में पुट कराएंगे, पुट इन इक्वेशन वन. जैसे आप इसको इक्वेशन वन में पुट कराएंगे ए स्क्वायर, ए की वैल्यू टू सी, तो टू सी का स्क्वायर कराना पड़ेगा आपको, इक्वल टू टू बी स्क्वायर. तो यहां आप टू बी स्क्वायर कराएंगे, जगह कम है इसलिए नेक्स्ट स्टेप इसके आगे लिखता हूं. तो ये बन जाएगा फोर सी स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, इक्वल टू टू बी स्क्वायर. टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो वही स्टेप वापस आ रहा है बट चेंज हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर. अब इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम यहां फिर लगाइए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वोशेंट. तो इसका मतलब भी यही बन गया वापस. अब मैं फ्रॉम इक्वल डिवीजन लेमा नहीं लिख रहा हूं बिकॉज अब आपको ये समझ में आ गया. तो दिस मीन्स इसका मतलब हो गया टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, टू जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पक्की बात है, बिकॉज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर इज जीरो. और फिर हमने पढ़ रखा है टू प्राइम नंबर है और टू बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो टू बी को भी डिवाइड करेगा. देयरफोर टू विल ऑल्सो डिवाइड बी, टू बी को भी डिवाइड करेगा. बस अब यहीं पे रुक जाइए, यहीं थम जाइए. अब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, हमने ए और बी को प्राइम नंबर माना था, यानी कि ये बात पहले से पता थी कि ए और बी का कोई प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता, बट ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि टू इज अ नाउ, नाउ टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी विच इज नॉट पॉसिबल. तो ये फैक्ट में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, हमारी बात का विरोध हो रहा है, हमारी बात में ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन. कि टू इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए एंड बी, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, यानी कि ये इस बात का अपोज कर रहा है कि टू भाई जब उसका फैक्टर हो रहा है ए का भी बी का, तो वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे. या तो देखो ये बात तो सच्ची है कि टू फैक्टर है, क्योंकि ये तो हमने प्रूफ करा है, टू ए का भी फैक्टर है, टू बी का भी फैक्टर है, बट ये को प्राइम नंबर हमने माने थे, ये बात झूठी हो सकती बिकॉज ये हमने सपोज किया था. तो ये बात बिल्कुल फैक्चुअल ट्रूथ है, तो ये वाली बात सच है, ये वाली बात गलत है. जब ये वाली बात गलत है यानी कि अंडर रूट टू ए अपॉन बी के इक्वल नहीं होगा, ये बात गलत है. तो अंडर रूट टू जब ए अपॉन बी के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो जो नंबर फ्रैक्शन में नहीं आ सकते वो कौन से नंबर होते हैं बता दीजिए, इरेशनल नंबर्स. बस हो गई बात खत्म. अब थोड़ा सा ऊपर का स्पेस यूज करेंगे और आपको बता रहे हैं कि लिखना क्या है. तो आपको लिखना है, ये जरूर लिख दीजिए, नाउ टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट लेकिन वो को प्राइम है, बट दे आर को प्राइम, लेकिन वो तो को प्राइम थे, तो दिस इसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स. ये इस बात का विरोध कर रहा है कि वो को प्राइम नहीं है फिर. ठीक है, अब आप लिखेंगे देयरफोर, जो हमारी एजम्पशन थी, हमने माना था, आर एजम्पशन वही गलत थी, क्योंकि वो तो माना गया था, ये तो फैक्ट दिखाई दे ही रहा है. देयरफोर आर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, वो गलत थी हमारी एजम्पशन, हैंस अब हम कह सकते हैं, ये लैंग्वेज आपको बेटा लिखनी पड़ेगी, तो मैंने कैसे लिखा है वो आप देख लीजिए. हैंस हम इस फैक्ट पे पहुंच गए, वी आर अराइव ऑन द फैक्ट दैट
अंडर रूट टू इज एन, क्या करें, किसी भी तरीके से बन ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे, इरेशनल नंबर। मेरे हिसाब से या मेरा एक्सप्लेनेशन तो ये है इस क्वेश्चन के लिए, आपको क्या पढ़ाया गया, आपने क्या पढ़ा, आपको कौन से फैक्ट से छुपा कर रखा गया, कौन से फैक्ट आपको पढ़ाए नहीं गए, वो इस सॉल्यूशन को आपको देख के आ जाएगा कि कितनी ऐसी बातें थी जो आप कभी सुन ही नहीं पाते, को भी समझ ही नहीं पाते। तो दिस इज डीप डिटेल एक्सप्लेनेशन हाउ टू प्रूव अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इसी टाइप से अंडर रूट थ्री, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट फाइव हो जाएंगे। बस एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा, कितना आसान है, अगर यहाँ होता अंडर रूट थ्री, क्वेश्चन में होता अंडर रूट थ्री, हाँ यहाँ से करते हैं तो यहाँ अंडर रूट थ्री आ जाता, यहाँ अंडर रूट थ्री आ जाता, यहाँ थ्री आ जाता, यहाँ थ्री आ जाता, बस सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ थ्री आ जाता एंड देन यहाँ थ्री एंड देन यहाँ पे हो जाता नाइन और यहाँ हो जाता थ्री, यहाँ हो जाता थ्री, यहाँ हो जाता थ्री, ये थ्री हो जाता और लास्ट में यहाँ थ्री हो जाता और कोई बच रहा है थ्री, ये थ्री हो जाता, बस ऐसे अंडर रूट फाइव, ऐसे अंडर रूट सेवन। तो इसको रटना भी तो आसानी हो जाता है, थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, सिर्फ इतना क्वेश्चन जो है अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री और अंडर रूट फाइव का जो इरेशनलिटी का एक्सप्लेनेशन है वो थ्री मार्क्स का अकेले क्वेश्चन आता है। सो अब मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल डीप में कि कैसे हम प्रूफ करते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब इस पे जो और तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो इससे आसान है, मैं बोलता हूँ सिंगल वाला जो क्वेश्चन होगा, सिंगल अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री, वो मुश्किल है। अगर कोई आपसे कहे टू प्लस थ्री रूट टू को प्रूफ करिए इरेशनल है, इस टाइप से प्लस माइनस में जब ऑपरेशन लगते हैं, या अंडर रूट टू प्लस थ्री को प्रूफ करिए कि ये इरेशनल है, तो इसको प्रूफ करना इरेशनल इसके कंपेरिजन में बहुत आसान है बच्चों। अब इसी टाइप के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और जो बचा अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, खुद से क्वेश्चन करके देखिए, बिल्कुल इजीली हो जाएगा विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। सो चलिए अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सो माय डियर चैंपियंस, ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी ने इंक्लूड किए हैं अपनी एक्सरसाइज में 1.3 में, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। एक है 1/√2, एक है 7√5 और एक है 6+√2। तो अगर कोई प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के साथ कोई नंबर आता है वो तो बड़ा आसान है। अब देखिए ये वाला जो नंबर है 1/√2, ये उसी मेथड से हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल, जो भी मैंने पढ़ाया था ना आपको, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन, अगर इनका रेसिप्रोकल आ जाए, ठीक है, 1/√2, 1/√3, 1/√5 एंड 1/√7, अब कैसे करिएगा, तो ये उसी मेथड से हो जाएंगे, समझा देता हूँ, एक स्टेप आप करोगे आगे समझ जाओगे। देखो वही काम है ना, जल्दी जल्दी से देखो, अंडर रूट टू को भाई रेशनल मानोगे, ए अपॉन बी के इक्वल करोगे, ए और बी प्राइम हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट टू ए, वहां पे आया था ए इक्वल टू अंडर रूट टू बी, फिर भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कराओगे तो यहाँ पे पहले मिलेगा आपको टू एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बी, बाद में मिलेगा टू एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए। और जो रूट टू वाला क्वेश्चन था वहां क्या हो रहा था बच्चों, वहां ये हो रहा था, पहले बना था जो टू बना था वो पहले कॉमन फैक्टर बना था ए का और बाद में बना था बी का, तो बस सीक्वेंस चेंज हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं चेंज, सिर्फ सीक्वेंस चेंज होगा, यहां पहले 2b का फैक्टर बनेगा उसके बाद a का बनेगा। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अब तो रेसिप्रोकल वाले भी जैसे ये किए थे वैसे रेसिप्रोकल वाले हो जाएंगे, बट सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, खत्म। अब उसके बाद अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये क्वेश्चन मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, एक थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में अपने पास से इंक्लूड करना चाहूंगा, मान लीजिए 2+3√5 इस टाइप से, प्लस में भी है फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में भी, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे सर, चलिए ये वाला लेते हैं पहले भाई, सपोज एज्यूम कुछ भी कर लीजिए, 7√5 इज अ रेशनल, ये एक रेशनल नंबर है, जब ये एक रेशनल नंबर है तो भाई अब जल्दी जल्दी कर सकते हैं ना, तो a अपॉन b के इक्वल होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, ठीक है को प्राइम्स हो गए। अब क्या करना है, रूट वाली वैल्यू को छोड़कर, मैं ये बोलता हूँ अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कराइए, रूट वाली वैल्यू जो भी रूट में वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो अंडर रूट फाइव इक्वल टू हो गया a अपॉन 7b, बस यहीं से फैक्ट हो जाएगा। देखो a अपॉन b कैसा नंबर था, a अपॉन b p अपॉन q की फॉर्म में आ रहा था तो वो रेशनल था ऑलरेडी। हाँ अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए कि फर्स्ट प्रूव दैट अंडर रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर एंड देन प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, तब वो 4-5 नंबर का क्वेश्चन हो गया,
बट अगर ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ इसको प्रूफ करवा रहा है, तो आप पहले से मान के चल सकते हैं कि भाई a अपॉन b थे, ये कोप्राइम नंबर थे, उसकी मल्टीप्लाई 7 से हो गई। तो मैं ये कहता हूँ, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, रेशनल नंबर पे कितने भी ऑपरेशन लगा लीजिए आप, कितने भी, मतलब रेशनल को रेशनल से डिवाइड कराओ, उसकी मल्टीप्लाई रेशनल से कराओ, माइनस कराओ रेशनल, प्लस कराओ रेशनल, कुछ भी कर लो, कोई से भी ऑपरेशन जितने मुश्किल हो सके लगा दीजिए, बट जो उसके आंसर्स बनेंगे, रिजल्ट्स बनेंगे, वो हमेशा रेशनल ही रहेगा, वो कभी इरेशनल नहीं हो सकता। तो यहां से अब हम जानते हैं, सिंस हम जानते हैं a अपॉन 7b इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि a और b ऑलरेडी रेशनल थे, उसमें 7 से मल्टीप्लाई यानी 7 से एक ही और डिवाइड हो गई, तो वो रेशनल ही रहेगा। तो हम जानते हैं a अपॉन 7b इज अ रेशनल, बट अंडर रूट 5 तो इरेशनल है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? एक रेशनल नंबर तो कभी आपस में इक्वल नहीं होगा, हो ही नहीं सकते, तो ये हमारे फैक्ट का कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये बात तो पक्की दिखाई दे रही है कि ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो हमारी अजम्पशन ही गलत होगी फिर, ये तो गलत नहीं है ना। हेंस वी कैन से दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। सो अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 6+√2, तो अभी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिख दे रहा है कि 6+√2 सपोज कर लिया एक रेशनल नंबर है, देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम, यानी कि एक रेशनल है, रेशनल एक इक्वल है तो ये रेशनल हो गया। अब अंडर रूट टू को साइड भेजते हैं, सॉरी अंडर रूट टू इधर ही रखेंगे, 6 को साइड भेजिए, बताया था रूट वाली वैल्यू को छोड़ के जो भी वैल्यू बचती है आप उसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए उसका, तो a अपॉन b माइनस 6, सिंप्लीफाई करिए इसको, तो ये हो जाएगा a माइनस का 6b अपॉन b, मतलब एक रेशनल से रेशनल माइनस हो रहा है और फिर डिवाइड हो रहा है रेशनल से, तो ये जो नंबर है इट विल बी अ रेशनल नंबर, इट इज 100% ट्रू एंड इट इज एन इरेशनल नंबर, ये हम जानते हैं, अंडर रूट टू इरेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं ना। तो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि रेशनल और इरेशनल तो इक्वल नहीं हो सकते, देयरफॉर इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट विद वी सपोज इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि हमने इसको रेशनल माना था, बट यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि ये तो आपस में इक्वल है ही नहीं, तो ये बात पक्की है हमें, ये आपस में इक्वल नहीं, यानी कि नॉट इक्वल होंगे, तो हमारा एजम्पशन ही गलत होगा, बिकॉज ये चीज तो गलत नहीं है, ये तो नॉट इक्वल है आपस में, तो देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। कैसे लिखिएगा, सिंस a माइनस 6b अपॉन b इज अ रेशनल नंबर बट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, दे नेवर बी इक्वल, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट, देयरफॉर 6+√2 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप से ये बड़ी आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन बच्चों, तो मैं बोल रहा था ना आपसे कि इस टाइप के क्वेश्चन तो बड़े ईजी होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लीजिए, इसको भी क्या करिएगा, 2+√5 इसको क्या मानिए, रेशनल मानिए, a अपॉन b के इक्वल हो जाएगा, 3√5 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए आप राइट हैंड साइड में माइनस 2, तो a माइनस 2 b अपॉन b क्या हो जाएगा, 3√5, अब 3 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो a माइनस 2 b अपॉन 3। मैं एक बात बता दूं आपको, इस फैक्ट को आप यूज कर रहे हैं यहां पर कि ये इरेशनल है, इस ये यानी कि ये बात आपको पता है, इसका आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कभी, वो 4 नंबर में आते हैं, कि फर्स्ट प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव दैट 2+√5 इज एन इरेशनल, कि पहले प्रूफ करके दिखाओ, मानो मत कि 5 इरेशनल है, पहले 5 को प्रूफ करके दिखाओ कि 5 इरेशनल है, उसके बाद फिर ये वाला मेथड से इस नंबर को प्रूफ करो कि ये इरेशनल है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अंडर रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं जब सिर्फ अंडर रूट 5 होगा, ये मैंने अभी आपको समझाया था, तो दोनों बातें मैं बता दे रहा हूँ, और सिर्फ इतना सिंगल आ रहा है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसी मेथड से करेंगे ठीक है। तो देखिए a माइनस 2b अपॉन 3b इज अ रेशनल नंबर बट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, सो दे नेवर बी इक्वल, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट, सो आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हेंस 2+√3 इज एन इरेशनल नंबर। बात खत्म हो गई। तो उम्मीद करते हैं इस लेक्चर से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जैसा कि आपने देखा कितने सारे फैक्ट आपको इसमें जानने को मिले, कितनी सारी नई बातें। तो आज का लेक्चर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपने बहुत डीप डिटेल में सीखा कि इरेशनलिटी कैसे प्रूफ की जाती है। दूसरी बात, आपको एक बात बताऊं, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको 2 बार देखना चाहिए, बिकॉज 8th में 9th में आपके बेसिक क्लियर नहीं थे, कितनी सारे इसमें फैक्ट मैंने बताए हैं, तो आप 2 बार देखिए। किसी बच्चे का अगर एक बार में हो रहा है तो वो एक बार इस वीडियो को देखे। कहने का मतलब ये है कि कभी भी एक दूसरे से आपस में कंपेयर मत कीजिए कि रोहन अगर 1 घंटा पढ़ता है तो सोहन भी 1 ही घंटा पढ़ेगा, वो 2 घंटा क्यों पढ़ेगा।
अगर आपको चीज़ें दो बार में समझ में आती हैं तो यू हैव टू डू दैट, आपको दो बार करना ही पड़ेगा। कभी भी एक दूसरे से कंपेयर मत कीजिए कि वो 4 घंटे पढ़ता है, मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, तो कोई ज़रूरी है कि मेरा रिजल्ट उसके जैसा अच्छा है। 3 घंटे पढ़ने वाले बच्चे 4 घंटे वालों से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कम पढ़िए। जैसी आपकी नीड है, जितनी अगर आपको 8 घंटे की नीड है तो आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और इससे चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आता होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स हैं आपको काफ़ी अच्छे लगते होंगे। और मेरी कोशिश यही है कि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट आए, जिसकी वजह से आपके स्टडी आर्ट्स बढ़ जाएँ थोड़ा सा और आप अपनी पढ़ाई को इन्जॉय कर सकें। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और उतनी इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे जितनी उसको दी जानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।